Starting with the sixth one, it says heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 33.2 ampere, which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degree Celsius? Temperature coefficient हमें क्या दिया हुआ है इस केस में? अल्फा दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे हमें आर वन निकालना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आर वन कैसे निकलेगा? 230 डिवाइडेड बाय 3.2। आर की वैल्यू क्या होती है हमारी? आर इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी ओवर आई। वी हमने सब्सिट्यूट किया, आई हमने सब्सिट्यूट किया, पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो आ जाएगा। अब 2300 को जब 32 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 71.87 ओम। इसी तरीके से आर टू निकल जाएगा स्टेडी वैल्यू के लिए, कितना? 230/2.8। अब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा। 2300 डिवाइडेड बाई 28 वुड बी 82.14 ओम। अब यहाँ पे आर वन आर टू है, अल्फा निकालना है हमें। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1.7 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब हमने स्टेडी टेम्परेचर निकालना है ना। स्टेडी टेम्परेचर किसके अक्रॉस होगा? इट विल बी अक्रॉस आर टू, और आर वन के अक्रॉस तो टेम्परेचर हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। टी वन पता है आपको, टी टू नहीं पता आपको, वो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूले में से फाइंड आउट कर लेंगे। आर टू इज इक्वल टू आर वन, ब्रैकेट में 1 + अल्फा टी टू माइनस टी वन। हमें फाइंड आउट क्या करना है? टी फाइंड आउट करना है। तो आर वन विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट टर्म, आर वन हो गया, अल्फा के साथ आर वन मिल जाएगा, देन टी टू माइनस टी वन। और फाइनली आपको निकालना क्या है इसमें से? टी टू निकालना है। तो टी टू कैसे फाइंड आउट करोगे? आर वन को लेफ्ट पे ले जाओ तो हो गया आर टू माइनस आर वन, ठीक है? अब ये जो मल्टीप्लीकेशन में है अल्फा आर वन, वो नीचे जाएगा, ठीक है? राइट में क्या बचा आपके पास? टी टू माइनस टी वन। टी वन लेफ्ट में जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी? आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाय अल्फा आर वन प्लस टी वन। और इधर क्या आया हमारे पास? राइट में टी टू। बस अब हमें वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है इसमें। आर टू इज 82.14 माइनस आर वन इज 71.87। नेक्स्ट अल्फा इंटू आर वन रखना है हमें नीचे। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1.7 × 10⁻⁴। आर वन कितना? 71.87 प्लस टी वन। टी वन कितना है हमारा? 27। राइट में क्या है? टी टू। अब टी टू फाइंड आउट करना है ना, तो पहले आपको ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ऊपर वाले दो नंबर्स को माइनस करोगे, फिर नीचे दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो फाइनली आपका आएगा क्या इसको सॉल्व करने के बाद? 840.56 प्लस 27। ऐड करोगे इसको तो कितना हो गया? 867.56। एज इट इज अ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है? डिग्री सेल्सियस में। एंड दैट टू, दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, एंड दिस इज टू टी टू फॉर दिस क्वेश्चन।